नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विनय और जस्ट नॉलेज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विश्व भूगोल अध्ययन के अध्याय 21 में आज हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जात बलों के बारे में। बहिर्जात बलों के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें, उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहिर्जात बल में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने जब अध्याय 7 पढ़ा था हम लोगों ने विश्व भूगोल का, उसमें मैंने आपको 2 बलों के बारे में बताया था, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो कि पृथ्वी के अंदर काम करता है, और बहिर्जात बल में जो पृथ्वी के बाहर काम करता है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, वहाँ पर हल्का आपको रफली व्यू दिया था एक कि आखिर में अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या क्या होते हैं। अंतर्जात बलों के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में अध्ययन कर लिया। अंतर्जात बलों के बारे में मैंने आपको बताया पूरा कि किस तरह से अंतर्जात बल कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको वलित पर्वतों, भ्रंश घाटियों के निर्माण के बारे में बताया, फिर सम्मान धारा सिद्धांत बताया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया, उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताई। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अलावा जो कुछ घटनाएं होती हैं हमारे स्थल पर, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग बात करेंगे बहिर्जात बल के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर बहिर्जात बल में हम लोगों को किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। बहिर्जात बल में हम लोग पढ़ेंगे अक्षय और अपरध, मीन्स वेदरिंग एंड इरोजन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अपरदन चक्र के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे कि बहिर्जात बल के कारण धरातल पर परिवर्तन कैसे होता है। मीन जैसे हम लोगों ने अंतर्जात बलों की प्रक्रिया के बारे में जाना था कि अंतर्जात बल अगर पृथ्वी पर कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप भूकंप, सुनामी, उसके अलावा ज्वालामुखी, इस तरह की क्रियाएं देखी जाती हैं। तुम तो लोग जानेंगे कि बहिर्जात बल के कारण धरातल पर किस तरह का परिवर्तन होता है। फिर इससे कौन कौन से स्थल रूप उत्पन्न होते हैं। फिर अपरदन प्रक्रम में नदियों का क्या योगदान है, भूमिगत जल का क्या योगदान है, सागरीय जल का क्या योगदान है। अब प्रक्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि नदियों के द्वारा पृथ्वी पर किस तरह के स्थलखंड बनाए जाएंगे, भूमिगत जल के द्वारा किस तरह से स्थलखंड बनेंगे, सागरीय जल का क्या योगदान है, हिमानी और परहिमानी से क्या होता है, उसके अलावा पौनों से किस तरह से स्थलखंड बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा होगा, इसमें हम लोग इसको 2 से 3 अध्यायों में इसको अध्ययन करेंगे प्रमुख रूप से। तो उससे पहले आप लोगों को मैंने सोचा कि इन सभी के बारे में आपको बता दूं। देखिए आप लोग क्या करिएगा कि कोई भी जो वीडियो हो उसको पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करिए, और उस वीडियो से आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाने का भी प्रयास करिए। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं पर वर्किंग है या आप लोगों के पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो ये सारे अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं इन सभी अध्यायों का जो नोट्स है वो PDF के रूप में मैं आप लोगों को दे दिया करूँगा। जैसे कि देखिए हम लोगों ने सम्मान धारा सिद्धांत पढ़ा या प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा या सी फ्लोर स्प्लिटिंग पढ़ा, तो उसमें मैंने कुछ लिखाया नहीं है क्योंकि वो बेसिकली समझने वाले तथ्य ही होते हैं। मीन्स अगर मैं उसमें किताबों की तरह आपको लिखा देता तो आप लोग कभी भी उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा टेक्निकल है। जो फिजिकल भूगोल है, भूगोल का पार्ट है, टेक्निकल है, इसको आप लोग कल्पनाओं के जरिए ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन अब जो आगे के टॉपिक होंगे उसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखी हुई भी आपको मिलेंगी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको मैं PDF के रूप में आपको दे दिया करूँगा। फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस ग्रुप को सॉरी उस पेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी PDF भेज दिया करूँगा जिससे आप लोगों को आसानी से मिल जाए करेगी। तो हम लोगों ने बात की अंतर्जात बल बहिर्जात बलों के बारे में, मीन्स हमें आगे बढ़ना है बहिर्जात बल के बारे में। देखिए जो बहिर्जात बल होते हैं इनका जो भूमि पर प्रमुख काम होता है वो होता है अनाच्छादन। अब अनाच्छादन का मतलब क्या है, मीन्स ये जो हमारे स्थलखंड पाए जाते हैं उनको बैलेंस करते हैं। इसको हम लोग अभी आगे अच्छे से और समझेंगे। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान से कणों को ले जाना, या इसे कह देंगे कि कणों का टूटना, सड़ना, गलना और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। मीन्स आज यहाँ पर आपको कोई लैंडफॉर्म दिख रहा है, कल यहाँ पर ये नहीं दिखेगा। आज यहाँ पर गड्ढे हैं, कल यहाँ आपको समतल मैदान दिखेगा। इस तरह से जो
समतल करते हैं ये मैदान को, इन्हीं को हम लोग बहिर्जात बल का नाम देते हैं, या मीन्स कह सकते हैं कि बहिर्जात जो बल होते हैं इनका मुख्य काम यही होता है। फिर बहिर्जात बलों में दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, मैंने आपको पहले बताया, अपक्षय और अपरदन। तो अपक्षय का जो मुख्य काम होता है वो स्थैतिक होता है, और अपरदन का मुख्य काम वो होता है गतिशील होता है। कैसे, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपक्षय या वेदरिंग के बारे में। तो आखिर में अपक्षय होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि जो हमारी पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं इनकी भी कोई आयु होती है। कुछ आयु के बाद में कुछ मौसम, जो मौसम में परिवर्तन होते हैं इसके परिणाम स्वरूप, या हमारे वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं इनके परिणाम स्वरूप ये चट्टानें टूटती हैं, सड़ती हैं और ये लोग अलग हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि मौसम में परिवर्तन के कारण ये होता है, और इसी क्रिया को हम लोग नाम देते हैं वेदरिंग या अपक्षय, मीन चट्टानों का टूटना, सड़ना या विखंडित होना, इसी को हम लोग नाम देते हैं अपक्षय। अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग मीन्स अपक्षय के प्रकार क्या हैं, अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, मीन्स फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, इसे हम लोग फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है तापमान, मीन्स आप कोई भी अगर चट्टान हो या कोई भी शैल हो, अगर इसे एक निश्चित तापमान से ज़्यादा इसका तापमान बढ़ जाए मीन्स, तो ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, मीन्स इसके जो कण हैं एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, ये कमज़ोर होगा और धीरे धीरे करके टूट जाएगा। तो इसीलिए अपक्षय में एक क्रम जो है वो हमारा तापमान है। फिर जैसे जल प्रवेश के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, शैल वाले अध्याय में भी बताया था कि मान लीजिए कोई चट्टान है, उसमें मान लीजिए कोई रंध्र है या कोई छिद्र है, इसमें अगर जल भर गया तो जल क्या होगा, धीरे धीरे चट्टानों के अंदर पहुंचेगा, और अंदर पहुंचने के बाद में ये धीरे धीरे इसको इरोड करता रहेगा, और इरोड करने के साथ साथ वो धीरे धीरे कमजोर होंगी, सड़ेंगी और वो टूट जाएंगी। तो ये हुआ जल प्रवेश के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं घर्षण या फ्रिक्शन के बारे में। मान लीजिए कि दो चट्टानें आपस में रगड़ रही हैं या दो चट्टानों का आपस में टक्कर हो रहा है, तो इसके कारण भी ये टूटने लगेंगी या विखंडित होने लगेंगी। फिर हम लोग बात करते हैं दबाव या प्रेशर के बारे में। अब देखिए आप लोग इमेजिन करिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई छोटी सी चट्टान है और इसके ऊपर कोई बड़ी सी चट्टान है, या मान लीजिए ये आप हैं, या मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसके ऊपर आप जाके बैठ जाए, तो उससे क्या होगा, वो जो छोटा बच्चा होगा वो टूटेगा नहीं, मीन्स हड्डी या कह सकते हैं हड्डी पसली तो टूट ही सकती है। तो उसी प्रकार से जैसे चट्टानों के ऊपर, मान लीजिए छोटी चट्टान के ऊपर बड़ी चट्टान आ जाए, या कोई चट्टाने हो नीचे इनके ऊपर धीरे धीरे चट्टानों का ढेर लग जाए, तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, मीन्स दबाव के कारण ये टूट जाएंगी। सेकंड जो है हमारा वो है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के बारे में बस इतना जान लेना है, केमिकल वेदरिंग तीन प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और जलयोजन, मीन्स ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा समझना नहीं है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो मैं इसके प्रकार के बारे में केवल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आगे के जो मैं चीज़ें बताऊँगा उनसे पूछे जाते हैं। ये तो मीन्स आपका एक टूल्स है कि आप लोग अच्छे इन सभी के प्रकार के बारे में समझ लीजिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग या प्राणी वर्गीय अपक्षय। इसमें हमारा पहला है वानस्पतिक मीन्स प्लांट्स के द्वारा, जैविक मीन्स एनिमल के द्वारा, मानवीय क्रिया मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। वानस्पतिक मान लीजिए, वानस्पतिक अपक्षय की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चट्टाने हैं, यहाँ बीच में कोई पेड़ उगाया इस तरह से, तो ये इसकी जो जड़ें धीरे धीरे फैलेंगी, तो ये चट्टाने या चट्टानों के अंदर भी आप लोग देखते होंगे कभी कभी पेड़ पौधे उगाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होंगी, वो कमज़ोर होंगी, और जैसे जैसे उनकी जड़ों का विकास होगा वो जो चट्टाने होंगी वो सड़ेंगी, टूटेंगी और विखंडित हो जाएंगी। फिर जैविक क्रियाएं मीन जो हमारे एनिमल होते हैं, एनिमल के द्वारा भी अपक्षय होता है। फिर मानवीय क्रियाएं, मानव के द्वारा भी इस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो ये तो हो गया अपक्षय के बारे में। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि अपरदन क्या होता है। अब देखिए अपक्षय की जब क्रिया हुई तो जो चट्टाने हैं ये टूट गई, सड़ गई, विखंडित हो गई। अब ये पहले थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में मान ले टूटी, फिर धीरे धीरे और छोटी हुई, और धीरे धीरे लास्टली या कह सकते हैं अंत में ये धूल के कणों के रूप में हो गई। तो फिर क्या होगा, इन जो अपक्षयित पदार्थ हैं
जो मेंस अपक्षय के द्वारा ये चट्टानें टूटी हैं इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाए, मीन्स ये अपने स्थान से मूव कर ली जाए, हट जाए किसी भी मौसमी प्रक्रिया के द्वारा या किसी भी बाह्य कारक के द्वारा, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं अपरदन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अपरदन या इरोजन। इरोजन जो होता है ये मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेंगे, तो आगे जो हम लोग हिमानी पढ़ेंगे या इसके अलावा नदी प्रक्रम पढ़ेंगे या पवन पढ़ेंगे, तो इन सभी में इनका टूल्स आएगा। मीन्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये उत्पादन की क्रिया है, तो आप लोग समझ जाइए कि आखिर में उत्पादन क्या होता है। मैं कहूँगा संधि घर्षण की क्रिया है, तो आप लोग समझिएगा कि संधि घर्षण क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग वहाँ पर समझ जाइएगा। तो इसलिए मैं आपको इसको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आखिर में इन सब चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपघर्षण की या अब्रेवरेशन की। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अब्रेशन। अपघर्षण की क्रिया क्या होती है? देखिए, जब हमारे जो चट्टाने हैं ये धीरे धीरे टूट जाती हैं, तो पानी के द्वारा ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। मीन्स मान लीजिए पानी के द्वारा ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें कंकड़ होंगे, बालू होंगे, इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे कण होंगे। अब ये जब चट्टानें बह रही हैं, मान लीजिए छोटी छोटी चट्टानें बह रही हैं, तो इनके संपर्क में अगर कोई चट्टान और आएगी तो वो चट्टान भी टूटने लगेगी। मीन्स अगर ये चट्टानें बढ़ रही हैं और इनके संपर्क में कोई और चट्टान आ रही है, तो वो आपस में टकराएंगी और उसी के साथ में उनका भी इरोजन होगा और वो साथ साथ में बढ़ती रहेंगी। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अपघर्षण। अब हम लोग बात करते हैं सन्नी घर्षण या एट्रिशन की। एट्रिशन, तो हम लोग समझते हैं कि एट्रिशन आखिर में क्या होता है। देखिए, जब मान लीजिए पानी के द्वारा ही ये इस तरह से जो हमारे बालू के कण हैं, कंकड़ हैं या छोटी छोटी चट्टाने हैं, ये आगे बढ़ रही हैं, इसी के दौरान क्या होता है कि इनका आपस में भी टक्कर होता रहता है, इनमें आपस में घर्षण होता रहता है, जैसे इसमें नाम से ही स्पष्ट है घर्षण। तो इनमें आपस में घर्षण होता रहता है और इसी के साथ ही ये इरोड होती रहती है, मीन्स इनका अपरदन होता रहता है और ये टूटती रहती हैं। तो इसी की तरह ये टूट टूट कर छोटी होती हैं और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं सन्नी घर्षण। अब हम लोग बात करते हैं घोलन या संचारण की या कोरोजन क्या होता है। अब कोरोजन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो चट्टाने होती हैं, कुछ चट्टाने ऐसी होती हैं जिनमें डोलामाइट, चूना पत्थर आदि इस तरह से चीजें घुली हुई होती हैं। अब देखिए, चूना आप लोग देखते होंगे जो हमारा खड़िया होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी CaO, इसे हम लोग कहते हैं अनहाइड्रेटेड जो हमारा चूना होता है, लाइम। तो इसको जब आप लोग पानी डालते होंगे तो देखते होंगे कि ये धीरे धीरे इसमें से उष्मा निकलती है और ये धीरे धीरे टूटने लगता है। उसी प्रकार से जैसे डोलोमाइट भी होता है, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये अगर किसी चट्टानों में मिली हुई है और इस तरह से ये चट्टाने अगर पानी में पहुंच गई, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे वहां पर जल के साथ में तुरंत क्रिया करने लगेंगी और उसके परिणाम स्वरूप इनका संक्षारण होगा, ये अलग होंगी, अपरदित होंगी और ये कमजोर होकर धीरे धीरे टूट कर बह जाएंगी। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं घोलन या संक्षारण या कोरोजन भी से कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं जलगति क्रिया की या हाइड्रोलिक एक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन। तो समझते हैं कि आखिर में हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रोलिक एक्शन? अब देखिए, मान लीजिए किसी भी एरिया में जल का बहाव जो है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है, तो इस तरह से अगर किसी भी जगह पर जल का बहाव बहुत ही तेजी से हो रहा है, तो उसके संपर्क में जो चट्टाने आएंगी या जो धूल के कण आएंगे या जो मिट्टी आएगी, वो धीरे धीरे इरोड करेगी। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी नदियाँ होती हैं ये ज़्यादातर सीधी नहीं फ्लो करती हैं, इनका इस तरह से फ्लो करती हैं, इस तरह से सांप की तरह, जैसे सांप चलते हैं, स्नेक जैसे चलते हैं, उस तरह से मूव करती है। तो इसका रीजन क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। वो बेसिकली जलगति क्रिया पर ही आधारित है, हाइड्रोलिक एक्शन पर ही आधारित है। फिर अब हम लोग बात करते हैं जल दाब क्रिया की। देखिए, जब किसी चट्टान पर जल का दबाव, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दबाव के कारण भी चट्टानें अलग होती हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चट्टानों पर प्रेशर हो वो केवल किसी चट्टान का ही हो, किसी सेल का ही हो सकता है कि इस पर किसी प्रेशर कोई अन्य प्रकार का हो। तो इस तरह से अगर जब इसके ऊपर जल का प्रेशर होता है, तो ये धीरे धीरे इरोड करती रहती हैं और ये आगे बढ़ जाती हैं, टूटती रहती हैं और इरोड
होने के बाद में ये आगे बढ़ती रहती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जलदाब क्रिया या वाटर प्रेशर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? वाटर प्रेशर। ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं उत्पाटन की, कि आखिर में उत्पाटन क्या होता है या प्लकिंग। इसे हम लोग नाम देते हैं प्लकिंग। देखिए प्लकिंग जो होता है मुख्य रूप से हिमानियों के द्वारा होता है, मीन्स जो बर्फ के बड़े बड़े कण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग उत्तरी ध्रुव के बारे में जानते होंगे, उत्तरी ध्रुव में वहाँ पर जो रीजन है वहाँ पर बर्फ, हालांकि समुद्री धाराओं के कारण अब वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है, लेकिन इससे पहले ये नहीं था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब तो बर्फ पिघल गई है, लेकिन पहले वहाँ पर ऐसे नहीं था। वहाँ पर क्या होता था कि जो बर्फ होती थी वो पिघल पिघल के धीरे धीरे आती रहती थी हमारे बीच की रीजन की तरफ, मीन्स जो हमारी भूमध्य रेखा है बीच की, उसकी तरफ आती रहती थी। अब कोई भी अगर बर्फ की जो सिल्ली है या जो हमारी हिमानी है वो अगर पिघल कर धीरे धीरे या तैर कर पानी के जरिए आ रही है, अब उसके सामने अगर कोई चट्टान आ गई, उससे उसका कोलिजन हुआ, उससे उसका टक्कर हुआ, तो वो क्या करेगी? बर्फ भी कुछ इरोड होगी और वो जो चट्टान होगी जिससे उसका टकराव होगा वो भी इरोड होगा। तो इस क्रिया को हम लोग प्लकिंग या उत्पाटन कहते हैं। फिर हमारे जो लास्ट है ये है अपवहन या डिफ्लेशन। समझते हैं आखिर में डिफ्लेशन क्या होता है। देखिए डिफ्लेशन जो है मुख्य रूप से, जैसे कहीं पर अगर हमारा अर्धशुष्क प्रदेश है, मीन्स अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें, मीन्स जहाँ पर वर्षा कम होती है, आप लोग यहाँ आप इस समय भी देखते होंगे कि वर्षा कम हो रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा कम होने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो बेदरिंग की क्रिया बहुत ही तेज होती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। बेदरिंग की क्रिया तेज होने के कारण वहाँ पर चट्टान टूट टूट कर धूल कणों के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, और जब कभी हवा तेज चलती है तो ये जो कण होते हैं ये उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमारी अपरदन की लास्ट क्रिया हुई। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि आखिर में इरोजन साइकिल क्या होता है या अपरदन चक्र क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपरदन चक्र की या इरोजन साइकिल की। देखिए जो अपरदन चक्र होता है इसकी अगर हम बात करें, तो ये जो बहिर्जात और अंतर्जात बल होते हैं इनकी सम्मिलित क्रिया का परिणाम होता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा था जेम्स सटन ने। जेम्स सटन जो कि स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो ये अपरदन साइकिल होती है ये अंतर्जात और बहिर्जात बल की सम्मिलित क्रिया का परिणाम होती है। कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने अंतर्जात बल के बारे में पढ़ा, अंतर्जात बल में ज्वालामुखी क्रियाएं या जो भूकंप होते हैं, उसके अलावा फिर जो सुनामी होती है, इन सभी के द्वारा जो क्या होता है कि धरातल विषमताएं होती हैं, मीन जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर बहुत ही विभिन्न तरह के स्थल खंडों का ये लोग निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा पर्वत का निर्माण, पठारों का निर्माण, मीन्स जो हमारे हॉट स्पॉट की क्रिया उसके द्वारा पठार का निर्माण, जो हमारे डाइवर्ज होती हैं प्लेटें एक दूसरे से वहाँ पर उसकी क्रिया की तरफ पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ियों का निर्माण होता है। फिर हमने देखा कि जब कहीं पर जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं उस क्रिया के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि वहाँ पर खाइयों का निर्माण होता है। कहीं पर अगर सबडक्ट होती है जो हमारी महासागरीय प्लेट होती है तो वहाँ पर गर्तों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जैसे जो हमारा अंतर्जात बल है वो बहुत ही सारी विषमताएं क्रिएट कर रहा है पृथ्वी पर। अब अगर ऐसी ही विषमताएं क्रिएट होने लगे या ऐसी ही कोई भी चीज़ क्रिएट होने लगे, जैसे मान लीजिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोगों के पास में कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 1,000 रुपये हैं। अब 1,000 रुपये हैं, अगर आप इसको खर्च करते जाएंगे तो आप कितने दिन खर्च करेंगे? अब आप 1 घंटे में 2 घंटे भी खर्च करेंगे, तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि अगर आपके पास 1,000 का खर्च है तो आपके पास कम से कम 1,000 रुपये रोज आने भी चाहिए। मीन्स अगर आप लोग 1,000 रुपये रोज खर्च कर रहे हैं तो आपके पास 1,000 रुपये आने भी चाहिए, तभी तो आप लोग खर्च कर पाएंगे, तभी तो एक बैलेंस बना रहेगा। उसी प्रकार से अगर अंतर्जात बल जो है वो पृथ्वी पर इस तरह की विषमताएं क्रिएट कर रहा है, कहीं पर पर्वत बना दे रहा है, कहीं पर पठार बना दे रहा है, कहीं पर खाइयाँ हैं, कहीं पर गर्त बन रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें वो क्रिएट कर रहा है उनको अगर बैलेंस करना है तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है बहिर्जात बल की। मीन बहिर्जात बल जो विषमताओं का सृजन करता है, हमारा जो अंतर्जात बल
उसको बैलेंस करता है, इसीलिए इसे हम लोग समतल संस्थापक बल के नाम से भी जानते हैं, या इसका मुख्य कार्य जो है वो समतल को संस्थापक करना है और पृथ्वी की जो है वो बैलेंस को बनाना है। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि इसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था जेम्स हटन, जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। फिर इनके बाद में इनके एक शिष्य हुए, इनके शिष्य का नाम था मॉरिस डेविस, जो कि संयुक्त अमेरिका के भूगोल सॉरी संयुक्त अमेरिका के भूगोल वेत्ता थे, जिनका नाम था मॉरिस डेविस। मॉरिस डेविस ने क्या बताया, मॉरिस डेविस ने बताया कि जो हमारी चट्टाने होती हैं उनकी भी एक एज होती है, मीन्स ये लोग भी इनकी अवस्था आती है, जैसे मनुष्य की पहले बच्चा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर नवयुवक हुआ, उसके बाद में फिर एक मेच्योर इंसान हुआ, फिर लास्ट में बूढ़ा हो गया, मीन्स लास्ट स्टेज में पहुंच गया। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि सभी चट्टानों की या स्थलाकृतियों की भी एक अवस्था होती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यूथफुल एज की, कि आखिर में यूथफुल एज क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि यूथफुल एज क्या होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा एक भूखंड है, यहाँ पर आप लोगों को नदी दिखाई दे रही होगी, क्या है यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है, यहाँ भी नदी है, यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत हैं। फिर धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में ये तरुण या यूथफुल इन्हें कहा जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इरोजन होगा, पहले अपक्षय होगा, मीन से चट्टानें टूटेंगी, उसके बाद में इरोजन होगा और ये धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। मीन मेच्योर अवस्था में आप लोग देख रहे होंगे क्या हुआ यहाँ पर, कि ये धीरे धीरे इरोड होकर छोटी छोटी टुकड़े में बढ़ गई, मीन्स यहाँ पर इनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ी थी और यहाँ पर थोड़ी सी छोटी हो गई हैं, इनकी ऊंचाई भी अब कम हो गई है। नदी आप लोग मान लीजिए कि नदी यहाँ पर भी है, इसको मैंने बनाना भूल गया। तो इस तरह से पहले ये इस तरह से थी यूथफुल अवस्था, तरुण अवस्था में, उसके बाद में ये धीरे धीरे इरोड होती गई, इरोड होने के बाद में ये इस रीजन में पहुंच गई, उसके बाद में क्या होता है, फिर लास्ट अवस्था में इस तरह से इनका अपक्षय और अपरदन होते होते ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से ओल्ड एज में ये लोग पहुंच जाएंगी जीर्ण साइकिल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे केवल यहाँ पर नदी बची हुई है और ये जो पर्वत पठार दिखाई दे रहे थे ये समाप्त हो गए हैं और ये पूरा एक समतल मैदान बन गया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, मीन्स किसी भी स्थलखंड की इस तरह से उत्पन्न होने की, मीन्स उसके निर्माण से लेकर उसके समाप्ति तक की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन साइकिल या इरोजन साइकिल, अपरदन चक्र या इरोजन साइकिल कहते हैं। मीन्स इस तरह से ये चलती रहती है, इस तरह से ये चलती रहती है, इस तरह से। अब यहाँ से फिर निर्माण होगा, जो हमारे अंतर्जात बलों अपना काम करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप फिर इस तरह के स्थलकृतियों का निर्माण होगा। फिर इन स्थलकृतियों के निर्माण के बाद में ही धीरे धीरे इनका इस तरह से विनाश होगा। तो ये तो हो गया अपरदन साइकिल के बारे में, ठीक, इन सभी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अपरदन प्रक्रम के द्वारा जो हमारी स्थलकृतियाँ निर्माण होती हैं पृथ्वी पर, मीन्स नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा, समुद्र के द्वारा, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले अध्याय में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर में जो नदियां हैं टेन्ही क्यों चलती हैं, नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं, या किस तरह से जलप्रपात का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी क्या है, जलोढ़ शंकु क्या है, जलोढ़ विसर्प क्या है, गोकुल झील का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ के मैदान का निर्माण कैसे होता है, इन सभी के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना जरूर लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अगर आप लोगों के पास में समय हो तो आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। आपके जो कमेंट हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित करते हैं, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छा करने की मन में भावना जागृत होती है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।